अलकाजी विधानसभा से विधायक अतीशी को गोवा और तिलक नगर विधानसभा से विधायक जर्नेल सिंह को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दोनों को इन राज्यों में विकास की राजनीति को लेकर आगे जाना है और इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विकास की राजनीति को बड़ी सफलता मिलती थी, जिसके बाद पार्टी ने पूरे देश में राष्ट्र निर्माण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश के अन्य राज्यों में भी दिल्ली के काम की राजनीति को ले आ जा रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और एक बार फिर दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में चुना है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता द्वारा मिला ये प्रचंड बहुमत इस बात को सत्यापित करता है कि पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के हितों में विकास के लिए काम किया है। जनता उन कामों से बेहद खुश है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो विकास मॉडल खड़ा किया है, जनता उस विकास मॉडल से बेहद संतुष्ट है। जनता के अपार समर्थन को देखते हुए पार्टी का ये मानना है कि दिल्ली की जनता को दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वो विकास मॉडल दिल्ली में खड़ा किया गया है और वो केवल दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस सुविधाओं के लिए इस प्रकार का विकास मॉडल को पाना चाहती है। SPN9 न्यूज रूम से नाजमीन की रिपोर्ट।